I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. So guys, हम लोग यहाँ आए हैं फाउंटेन्स में और ये फाउंटेन्स पंजिम का कैपिटल है. सो हम लोग पंजिम में आए हैं और यहाँ ये गोवा का सबसे ब्यूटीफुल लैटिन क्वार्टर्स है और ये सब ही प्राइवेट हाउसेस है. फाउंटेन्स पंजिम का बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हाउसेस है. फ़ोटोज़ यहाँ पे बहुत अच्छा आते हैं और लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए आते हैं. ये पोर्चुगीज़ का आर्किटेक्चर है और ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो यहाँ पे रहते हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'm gonna just like to work with you. Time to stand strong, need to move on. To be what I want, I'll keep dreaming. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, ये फेमस है बिकॉज़ बहुत सालों पहले यहाँ का जो चर्च का फादर था उनका डेथ पॉडी अभी भी है यहाँ पे और उनका नाम है सेंट फ्रांसिस सेवियर और उनका बॉडी बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं और यहाँ पे बहुत हज़ारों करोड़ों लोग विज़िट करने आते हैं. अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं यहाँ पे. दिस इज़ माई सेकेंड विजिट और मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मुझे और यहाँ पे आने का फिर से मौका मिला. ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड यू विल फील वेरी पीसफुल. यहाँ पे आके आपको बहुत ही ज़्यादा शांति फील होगा एंड ये सबसे ओल्डेस्ट चर्च है. माय गॉड, मैं इतने साल पहले आई थी ये चर्च एज इट इज़ द सेम. जगह पे रॉन्ग एक्सिट के वहाँ पे एंटर कर रहे थे. सो अभी हम लोग यहाँ से शॉर्टकट एंटर कर रहे हैं. सो आपको अगर चर्च का पूरा डिटेल चाहिए रहेगा तो यहाँ पे गाइड भी है. गाइड को बोल के देन उनका जो भी चार्जेस रहेगा वो आपको पूरा फुल डिटेल्स आपको चर्च के बारे में पूरा बताएगा. और अंदर रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था. वहाँ पे हमने बोर्ड साइन देखा तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया. सो हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं. हम लोग को बहुत सारे प्लेसेस में जाना है तो हम लोग फट हम लोग एक्सप्लोर करके हम लोग चल रहे हैं अभी आगे. अभी हम लोग यहाँ मीरामार बीच पे आए हैं. सो ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड बीच है. अभी पता नहीं कि ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड बीच क्यों है. I'll do what I want.
सो हम शाम के टाइम आए हैं तो पानी थोड़ा पीछे गया है, तो हम लोग थोड़ा अंदर आके फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। एंड ये बीच बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्लीन नीट है, नॉर्मल बीच है, मतलब सब बीच की तरह नॉर्मल है, बस थोड़ा लाइक ग्रीनरी एंड थोड़ा व्यू थोड़ा अच्छा है इसमें, बस और कुछ नहीं है। सो इट्स डे 5, लास्ट डे एंड द फाइनल डे ऑफ गोवा। सो हम लोग कोलवा बीच पे आए हैं। एक्सट्रीम लेवल ऑफ धूप, धूप बहुत ज़्यादा है। हम लोग को कायाकिंग वो बोट का एक्टिविटी करना है, सो हम लोग इधर देखने आए कि यहाँ पे वो है क्या करके। और ये यहाँ पे हम लोग को कुछ बोट साइन दिख रहा है, और यहाँ पे जो हम लोग ने वाटर स्पोर्ट्स लास्ट टाइम किया था पूरा पैकेज के साथ, यहाँ पे एक सिंगल है, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। एंड द बैड न्यूज़ इज़ यहाँ पे भी कायकिंग वाला वो चीज़ नहीं है जो हमें करना था, एंड हम लोग को ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना था यहाँ पे, इसलिए हम लोग फटाफट हम लोग यहाँ से निकल गए। So, हम लोग पैंडोलिम बीच पे आए हैं। इधर कायकिंग नहीं होता है, बट बोट का समथिंग राइड होता है, तो हम लोग देखते हैं। संडे है इसलिए हम लोग को पार्किंग नहीं मिला, तो हम लोग थोड़ा अंदर जाके हम लोग को पार्किंग स्पेस मिला, तो बट वो लाइक घर घर जैसा, मतलब घर घर साइड से है, तो हम लोग को यहाँ से ही शॉर्टकट है बीच पे जाने के लिए। सीनरी इज़ सो ब्यूटीफुल। हम लोग मैंगलोर में हम लोग सब कज़िन्स लोग ऐसे ही जाते थे, मतलब घर घर से ऐसे छोटे छोटे इधर से हम लोग बीच पे जाते थे, तो मुझे उसकी याद आ गई। सो लोकेशन इज़ अमेजिंग। सो हम लोग बीच पे आ गए हैं, एंड इधर आपको ऐसे बोट मिलेंगे, प्राइवेट बोट, और हम लोग 5 पीपल है, और यहाँ पे 5 पीपल का 2.5 चार्ज कर रहे हैं 1 आवर के लिए। आपको एक दो बीच लेके जाएंगे और सम डॉग्स ऐसे ही दिखाएंगे, एंड डॉल्फिन्स आपको, मतलब ये लोग भी बोल रहे हैं कि डॉल्फिन्स दिखेगा, बट हम लोग लास्ट टाइम वाटर स्पोर्ट्स किए थे वहाँ पे हम लोग को डॉल्फिन्स नहीं दिखे थे, तो वी आर होपिंग लाइक हम लोग को ये लास्ट डे है, तो गॉड अगर हम लोग को आज डॉल्फिन दिख जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। डॉल्फिन्स भी आपके लक के ऊपर है। सो यहाँ पे हम लोग को ये लोग एक बटरफ्लाई बीच करके है, वहाँ पे आपको 15 मिनट्स रुकाएंगे लाइक फोटोशूट सब करने के लिए, देन एक्सप्लोर करने के लिए, देन उसके बाद आप वहाँ से निकल सकते हो। बोल
सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस गोवा आओगे तो तुम लोग ये चीज़ ज़रूर करना. इट्स लाइक वर्थ इट. 5 पीपल का 2,500 एंड सो गुड एक्सपीरियंस. अमेजिंग. हम लोग बटरफ्लाई बीच पहुँच गए हैं. See the water so clean. I have never ever seen such clean water in the beach. So beautiful. So ये boat मतलब 15 minutes के लिए इधर उधर ऐसा ये करेगा जाएगा then 15 minutes के बाद आएगा. चप्पल यहीं पे रह जा रहा है. हाँ स्लोली. Feet stone. I'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. सो हम लोग को फाइनली माई ड्रीम कम ट्रू. यहाँ पे डॉल्फिन हम लोग को दिख गया. बट सैड पार्ट इज दैट कि वो कैप्चर नहीं हुआ. बट बहुत ज़्यादा क्विक था वो. डॉल्फिन फ्लिप कर रहे थे सब. बट हम लोग इतनी एक्साइटेड हो गए देखने के लिए कि कैप्चर करने का वो समझा ही नहीं. बट इट्स माई ड्रीम कम ट्रू एंड फाइनली एंड थैंक गॉड कि मुझे डॉल्फिन दिखा. पैंडलिंग बीच पे से पहुंच गए हैं. और कायकिंग इधर नहीं होता है, वो कोला बीच पे होता है. सो वी आर गोइंग इन कोला बीच. सो लेट्स गो. Care about what you can't afford.
सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मट्टी है, लिटरली आप चलोगे तो ऐसा लगेगा कि आप लाइक आटा के ऊपर चल रहे हो, इतना ज़्यादा डस्ट। मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर जाना है वहाँ पे, आपको यहाँ पे लोकल व्हीकल भी मिलेगा, बट हम लोग लाइक कार था हम लोग का, तो हम लोग को लगा कि ये कार जाएगा इजीली, बट इतना इजीली नहीं जाएगा। आप बेटर है कि कार भारी पार्क करो, स्कूटी बाइक वो सब जा सकता है, बट कार डोंट टेक दैट रिस्क। सो अगर आपको लोकल 1 किलोमीटर है, अगर आपको चल के जाना है तो आप चल के जा सकते हो, या तो ट्रांसपोर्ट आप जो लोकल ट्रांसपोर्ट है पिक एंड ड्रॉप वाला वो आप कर सकते हो। फाइनली हम लोग सुबह से किधर है कहा है कि मतलब ढूंढ ढूंढ के अभी हम लोग को ये बीच पे मिल गया। सो हम लोग यहाँ पे आए हैं, और ये प्लेस मैंने बहुत ज़्यादा रील में देखा था, तो मैंने सोचा कि हम लोग ये प्लेस विज़िट करते, बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ लग रहा है। और यहाँ का प्राइस बहुत ही ज़्यादा चीप है, लाइक 100 रुपीज़ फॉर हाफ एन आवर, इज़न्ट इट गुड, नाइस। तो पानी ज़्यादा डीप नहीं है, लाइक मतलब यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कम है, एंड आई थिंक आगे आगे थोड़ा सा ज़्यादा है, वो भी नी तक ही रहेगा, ज़्यादा डीप है नहीं। और इधर हम लोग को लाइक 1.5 आवर तक वेट करना पड़ा, बिकॉज यहाँ पे संडे है, तो एंड इनके पास सिंगल सीट बोट बहुत मतलब कम है, इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और डबल सीट वाला है, तो हम लोग सिंगल सीट एक दो बोट हम लोग को चाहिए करके हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं। क्या क्या चल रहा है तुम्हें? ओ भाई उधर उधर उधर। ये है कोला बीच, तो ये यहाँ ये बीच साइड से आप आई थिंक से बोटिंग नहीं कर सकते, आपको बोटिंग के लिए कोला कायकिंग के यहाँ से ही करना पड़ेगा, एंड इट्स वेरी अमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, बट आप इंजॉय कर सकते हो, आप तो वो बोट चला सकते हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, और फोटोज़ एंड एवरीथिंग कम अमेजिंग। स्विच कर अभी। ओ हो, क्या व्यू है, क्या व्यू है। तो हम लोग को कायकिंग करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग, कुछ नया करके बहुत मज़ा आ गया, और हमारा एक्टिविटी यहाँ पे ही ख़त्म होता है। सो अभी हम लोग यहाँ से फटाफट निकल रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा नाइट हो गया है। The past is where it stays, way back a year ago. और हम लोग ये फाइनली ये ब्यूटीफुल चर्च में विजिट कर रहे हैं, एंड लास्ट
विजिट ऑफ दिस ब्यूटीफुल चर्च. ये चर्च का नाम है आर लेडी ऑफ इमैनुएट कंसेप्शन चर्च. ये पंजीम में है. आई स्वेयर आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल चर्च. इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. मस्ट विजिट दिस चर्च. मतलब ये आई स्वेयर, मतलब आपको ये चर्च विजिट करना चाहिए. दिस इज सो बिग, सो बिग. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. और यहाँ तक ही ये एंड है, बिकॉज उसके आगे वो लोग ने ब्लॉक्स कर दिए. उसके आगे आप जा नहीं सकते हो. And our Goa journey has been ended here with our wonderful friends. Thank you, Kripali, Siddesh, Rahul, Pankaj. This guys has been so supportive while making videos. और हम लोग को बहुत like 5 days हम लोग यहाँ पे गोवा में रहे, हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया. सो मैं यहाँ पे ही अपना गोवा का वीडियो एंड करती हूँ. एंड दैट आई होप आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छा. मेरा जो भी 3 पार्ट में गोवा का वीडियो बना है, और अगर जिसने भी 1st 2nd पार्ट नहीं देखा होगा तो वो पहले 1st 2nd पार्ट देखो, फिर 3rd पार्ट देखो, तब आपको समझेगा. एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप यू लाइक इट. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब.